हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। और आज 3 है, सैटरडे है, और अनुज स्कूल चले गए, वो भी ड्यूटी चला गया है, और मेरा नहाना धोना हो गया है और पूजा भी मैं कर ली हूँ। और अभी जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। तो लहंगा का ब्लाउज कंप्लीट नहीं हुआ है, नीचे का कंप्लीट हो गया है, उसको छोटा करना था और उसका कमर भी छोटा करना था, तो वो कर लिए हैं। तो ब्लाउज सिर्फ बाँह लगाना है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा सिलाई है और ले जाएगी वो अगर के, तो बस नाश्ता करेंगे और ब्लाउज सिलाई करेंगे। तो आज नाश्ता में आलू भिंडी का सब्जी और रोटी है, तो नाश्ता कर लेते हैं। और प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और मेरा ब्लॉग कंप्लीट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। और अभी हो रहा है दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं, और हम लोग का खाना पीना हो गया है, बर्तन भी धो लिए हैं। और ये देखिए ब्लाउज बन गया है, तो आप लोग भी देख लीजिए। ब्लाउज सिंपल है, ज़्यादा काम नंबर है, ब्लाउज नहीं है। पीछे भी ऐसे सिंपल है, ये लहंगा का ब्लाउज दोनों वाला, और ये है एक जो सिले थे ब्लाउज, और सिंपल ही बनाए थे, पीछे भी सिंपल है। और ये देखिए मैं ये वाला लटकन बनाई हूँ ब्लाउज में, इसके स्लीव्स इस स्टेप में है। यहाँ पीछे लहंगा रखा हुआ है, तो ले जाएगी वो आकर के, क्योंकि आज पार्टी, तो आज लेके जाएगी। देखिए शाम को आएगी शायद, तो ले जाएगी। हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को मिलते हैं। बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। और अनुज भी स्कूल से आ गया है, और कल तो छुट्टी है अनुज का, और परसों से स्कूल, इसका टाइम भी चेंज हो गया है स्कूल का अनुज का। और सुबह भी 6 बजे जा रहा था, तो परसों से जाएगा, 7:15 में जाएगा स्कूल, और 1:30 बजे आएगा, मतलब 1:30 बजे छुट्टी होगा, 2 बजे घर आएगा। टाइम स्कूल का भी, गर्मी ख़त्म भी नहीं हुआ, टाइम भी स्कूल का चेंज हो गया है, और अभी धूप भी दे ही रहा है, सिर्फ एक दिन बारिश हुआ, उसके बाद बारिश ही नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। और अभी शाम का वक्त हो रहा है, और आज बनाएंगे हम आदरा स्पेशल, खीर और दही पूड़ी बनाएंगे। तो यहाँ मैं दाल बॉईल करने के लिए रख दी हूँ कुकर में, ये देखिए कुकर में बॉईल हो रहा है, तो नमक और हल्दी डाल के मैं बॉईल कर ले रही हूँ। उसके बाद खीर बनाएंगे, तो खीर अनुज गया है दूध लाने के लिए, लेके आए, तो फिर खीर चढ़ा देंगे। तो दल पूड़ी और खीर बनाएंगे आज, क्योंकि आषाढ़ का महीना भी ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है तब, तो मैं एक बार भी बनाई नहीं हूँ, इसलिए मैं बना लेती हूँ। बारिश का इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश आएगा तो बनाएंगे, और ठंडा ठंडा मौसम, तो बारिश तो आ नहीं रहा है, एक दिन पहले बारिश हो बस हो गया। तो यहाँ पे मेरा बन रहा है,
यहाँ मैं दाल ले ली थी, दाल को पीस ली हूँ। पीस के इसमें अदरक मिर्चा लहसुन का पेस्ट डाली हूँ और अचार का तेल और मसाला और गोलकी को क्रश करके डाली हूँ और अजवाइन डाली हूँ और स्वाद अनुसार नमक डाल लिए हैं। तो मैं बॉईल करते समय भी नमक डाली थी, इसलिए मैं डर के नमक डाली थी कि ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे और उसके बाद इसका बनाएंगे पूड़ी। तो मैं आटा गूंथ के रख ली हूँ और मेरा खीर भी बन गया है। तो यहाँ मैं पूड़ी बना ले रही हूँ। तो मैं हाथ से इस तरह से दाब दाब के बना रही थी। दाल को अच्छा से पीसना पड़ता है, अगर गोटा भी रह जाता है ना तो फट जाता है, तो इसलिए दाल को अच्छा से पीसना है। तो मैं दाल को थोड़ा अच्छा से बॉईल की थी ताकि अगर कच्चा कच्चा रहेगा तो पेट में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये चना दाल है। तो इसलिए तो मैं अच्छा से बॉईल कर ली थी दाल को कि कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा पूड़ी। तो पूड़ी और मेरा खीर बन गया था और सब्जी रखा हुआ था, आलू भिंडी का सब्जी, पूड़ी और आम। तो आदरा में बोलते हैं खाना चाहिए, आषाढ़ का महीना में दल पूड़ी खीर और आम खाना चाहिए, तो इसलिए मेरे ससुराल में बनता ही बनता है, तो इसलिए मैं भी बनाती हूँ। तो अभी इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि आषाढ़ का महीना भी ख़त्म होने वाला है, अब ज़्यादा दिन है नहीं, तो फिर इसलिए मैं बोली बना लेती हूँ आज ही। कब से बनाऊँगी सोच रही थी तो मैं बना नहीं पा रही थी, इतना गर्मी था, गर्मी के कारण मैं नहीं बना रही थी। तो इसलिए मैं फाइनली मैं बोली नहीं मैं बना ही लेती हूँ, इस गर्मी बरसात का इंतज़ार करते रहेंगे बारिश का कि थोड़ा ठंडा मौसम करेगा बनाएंगे, उससे अच्छा मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं भर भर के बना रही थी, मैं हाथ से ही थाप थाप के बना रही थी और कोई कोई बेल भी रही थी, तो ज़्यादा नहीं बेलेंगे, ज़्यादा बेलेंगे तो फट जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बेल नहीं रही थी। और देखिए कोई कोई फट गया है तो उसमें घुस जाता है, दाल गिर जाता है, इसलिए मेरे तेल का कलर आपको इस तरह से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूड़ी भी बन गया, लगभग मेरा बन ही गया था। तो आप लोग भी प्लीज़ बनाइए, और कौन कौन बनाया है आगरा में तो प्लीज़ बताइएगा। और मेरा आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और जो नए हैं वो भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे मेरा लग गया है खीर, तलपूड़ी, सब्जी और आम। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो मैं खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं नहाने चले गई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था तो फिर मैं नहा ली। हेलो फ्रेंड्स, और अभी रात के 9 बज रहे हैं, खाना पीना हो गया है, खाए नहीं है, बन गया है और हम नहा लिए हैं।